नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशांत साहू की हत्या की जांच की मांग को लेकर रायपुर बंद रहा। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोगों में भय का माहौल है। पुलिस के सामने एक आदमी को उसके घर में जिंदा जला दिया गया और पुलिस मुक दर्शक बनकर देखती रही। पुलिस कस्टडी में ग्रामीण की मौत हो जाती है, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान पाए जाते हैं। कवर्धा के लोहाडी में अभी भी 3 से अधिक आदमी लापता हैं। वहीं राज्य में कलेक्टर SP कार्यालय जलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की व्यापारी संघ को, दुकानदारों को, जिन्होंने कम समय में कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश व्यापी बंद का उन्होंने समर्थन किया और बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर से रायगढ़ तक पूरी तरह व्यापक बंद का असर हुआ है। ये लड़ाई कवर्धा के उन लोहाडी के उस साहू परिवार के लिए है जो 3 लोगों की मौत हुई और जहां तक कि पुलिस के पिटाई से प्रशांत साहू की मौत, इतना बेरहमी, बेदर्दी, मानवीयता से हद पार कर उन्होंने पिटाई की जिसकी मौत हुई, और पूरे हृदय विदारक घटना है। जहां उस परिवार न्याय की मांग कर रही थी और हम लोग भी, पूरी कांग्रेस की दल, हमारी जांच दल, कांग्रेस पार्टी पूरी गई वहां। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आकर पूरे थाना को, थाना के पूरे कर्मचारियों को उन्होंने वहां से बदल दिए, TI SI को सस्पेंड कर दिए, एडिशनल SP को सस्पेंड किए, कलेक्टर और SP को हटाए। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दबाव है। लेकिन क्या किसी को थाना बदलने से या सस्पेंड करने से क्या तीनों की जिंदगी वापस आ सकती है? मैं इस सरकार से पूछता हूं। गृह मंत्री का खुद का विधानसभा, गृह मंत्री का खुद का जिला नहीं संभल पा रहा है, सुलग रहा है, तो प्रदेश का हालत क्या हो सकता है वो आप जान सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि उस परिवार के लिए, उस परिवार की न्याय के लिए जो हत्यारे पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिकारी हैं जिनके पीटने से मौत हुई, उनके खिलाफ FIR हत्या की मामला दर्ज होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन किया। जगदलपुर में आज सुबह 9 बजे से ही बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। बीते दिनों कवर्धा के ग्राम लोहराडी में साहू समाज के एक परिवार के ऊपर पुलिस प्रताड़ना और मारपीट से एक व्यक्ति की मौत के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिला है और सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता नगर की दुकानों को बंद कराते नजर आए। कवर्धा कांड के साथ साथ पूरे प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बंद का आह्वान किया है। इस बंद को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद कर दिया गया। बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स मुंगेली चैंबर्स ने समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशन का समस्त तो छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान रखा गया। यह बंद आप सभी जानते हैं कवर्धा के लोहाड़ी में बहुत ही सर्वनाश, दिल को छूने वाली ऐसी घटना घटी जो
मानव अधिकार पे दम शर्मसार कर देती है। वहाँ पे प्रशांत साहू के साथ लगातार जो बहुत ही बुरी कदर से उनके साथ में पुलिस के द्वारा ज्यादती की गई, इतना मारा पीटा गया कि उसको देखने में अच्छा अच्छा व्यक्ति दिल दहल जाता है और उसकी वहीं पे कस्टडी मौत हो गई, जिसके कारण वहाँ पे कुछ पुलिस वाले को एसपी डीएसपी को हटाया भी गया है। मतलब इसे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि यह घटना पुलिस के द्वारा और जेल में हुई है। इसी तरीके से लगातार आए दिन दो अन्य मौत हुई है और पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था को देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में इसी सिलसिले मुंगेली आज बंद रहा और जिसमें आज हमारे समस्त व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी व्यापारी वर्ग आज बंद रखे हैं। निश्चित तौर पे मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में भी मैं चाहूँगा कि इसी तरीका सहयोग रखें। मैं स्वतंत्र मिश्रा, अध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी मुंगेली। डिप्टी सीएम अरुण साव कवर्धा के लोहरडी कांड के पीड़ित परिवार से मिले हैं। उन्होंने कहा कि वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद समेत अन्य मुद्दों पर बयान दिया। कांग्रेस के बंद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, घटनाओं पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े पेश किए, हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कठोर है, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, जहां पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। आपको बताते चलें कि लगातार बंद का असर सुबह से देखने को मिला और इसी दौरान आपको यह भी बताते चलें कि लगातार ये बंद बुलाया गया और जिसको लेकर घटनाओं पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। डिप्टी सीएम ने इस पर बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा, इसे कांग्रेस पर पलटवार भी किया हुआ है। इस्तीफे की भी मांग कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा है कानून व्यवस्था, इसके लिए सरकार कठोर से कठोर कदम उठा रही है। ये आपके सामने है और आगे भी और कोई बड़ा निर्णय करना पड़े तो सरकार उससे भी संकोच नहीं करेगी। कांकेर जिले के बांदे क्षेत्र में नक्सलियों के उत्पात लगातार जारी है। नक्सलियों ने सड़क किनारे बैनर लगाए हैं, आत्मसमर्पण नीतियों के विरोध में बैनर लगाए गए और साथ ही चितरंजन नगर गांव में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए। क्रांतिकारी आंदोलन के इलाके में ताकत के मुताबिक गुरिल्ला युद्ध को बढ़ाने की बात लिखी है और साथ ही उत्पीड़ित जनता के हितों को बचाने के लिए संघर्ष करो जैसी बातें भी लिखी गई हैं। आपको बताते चलें कि लगातार कंकेर में नक्सलियों ने उत्पात मचवा रखा है और तरह तरह के धमकी भरे मैसेज जो हैं वो दिए जा रहे हैं गांव वालों को और इस दौरान गांव वाले भी डर की दहशत में हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं जो कि कंकेर से हैं, जहां पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया हुआ है और कई तरह की धमकियों भी जो धमकियां हैं वो भी दी जा रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार इलाके में दहशत का माहौल बना है, गुरिल्ला युद्ध को बढ़ाने की बात भी यहां पर लिखी गई है। खबर कांकेर से है जहां पर शहर के साथ ही जिले के पखांजूर में इन दिनों बंदरों का आतंक छाया हुआ है। पखांजूर नगर पंचायत के कई वार्डों में पिछले कई दिनों से बंदरों का जमावड़ा लगा हुआ है। बंदर अब तक लोगों के फल, सब्जी, घरेलू सामानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, अब बंदरों ने लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। पखांजूर पुराना बाजार में रहने वाले एक बुजुर्ग पर बंदरों ने हमला कर दिया जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक हमारे पास कोई मौखिक या लिखित में अभी तक सूचना नहीं मिली है।
सूचना मिलने पर उसके ऊपर उचित कार्यवाही करेंगे। कोई भी व्यक्ति को हिंसक वन्य प्राणी द्वारा घायल किया जाता है तो उसके इलाज पाने के लिए अधिकतम 59,100 देने का तरफ से और स्थायी विकलांगता हो जाने पर 2,00,000 का देने का प्रावधान है और यदि घायल व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को अधिकतम 6,00,000 देने का शासन की तरफ से प्रावधान है। यदि किसी को नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है तो निकटतम वन कर्मचारी वन प्रक्षेत्र अधिकारी के पास मौखिक या लिखित सूचना तत्काल देना चाहिए। बंदर ने हमला कर दिया, क्या कुछ हुआ है? बुधवार को पापा पूजा के लिए पानी लेके जा रहे थे, उसी समय पीछे से आके हमला किया बंदर और उनका दो नस कट गया है, जिससे उनको बहुत ही मतलब सीरियस हो गए थे। फिर पकंजूर सिविल हॉस्पिटल लेके गए तो वहां से बोले कि बाहर लेके जाओ तो है अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो व्यवस्था उतना सही नहीं है। फिर हम लोग बाहर लेके गए वीआई हॉस्पिटल, वहां पे उनका सर्जरी हुआ, दो नस कटे हैं, अब वहाँ सुस्त है। बंदर क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं? बंदर तो घर में फल फ्रूट सब्जी सबका ही नुकसान पहुंचा रहा है, अब इंसान का भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। कांकेर में आज पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर के जे श्रीनिवासा संयुक्त सचिव, मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली, कांकेर सांसद भोजराग नाग और भानु प्रतापपुर विधायिका सावित्री मंडावी, गौरव गर्ग छत्तीसगढ़ पासपोर्ट अधिकारी रायपुर और कांकेर कलेक्टर और गणमान्य नागरिकों के बीच कांकेर के कलेक्ट्रेट 441वां पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कांकेर में पासपोर्ट कार्यालय खुलने से बस्तर और कांकेर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। कांकेर क्षेत्र के लोगों को रायपुर पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब जिसको भी पासपोर्ट बनवाना होगा वह जिला मुख्यालय में आकर पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन बनवा सकता है। ये जो आज कांकेर में जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो खुल रहा है, देश में 441वां है और हमें आशा है कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के जितने लोग हैं, जैसे आपके विद्यार्थी हो गए, व्यापारीगण हो गए और जिस किसी को भी पासपोर्ट की जरूरत है, आपको ज्यादा पैसे खर्चा करने का जरूरत नहीं है, दूर या रायपुर जाने का जरूरत नहीं है, आप यहीं पे अपना पासपोर्ट का जो आवेदन है प्रस्तुत कर सकते हैं और हमें आशा है कि सबको ये जो सुविधा है सबको अच्छा लगेगा और सबके लिए पासपोर्ट बनाने का एक अच्छा जरिया बनेगा। कांकेर जिले के लिए आज बहुत बड़ी सौगात की विषय है कि हमारे जिले में पासपोर्ट ऑफिस खुला है, जो विदेश मंत्रालय का पासपोर्ट ऑफिस का जो डाकघर से शुरू हुआ है उसके अंदर डाकघर के साथ हमारा पासपोर्ट ऑफिस भी खुलेगा। उधर आंचल के क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे विदेशों में पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, कांकेर क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे विदेशों में नौकरी करने के लिए जॉब के लिए भी जाते रहते हैं तथा सैलानी भी आजकल बाहर के देशों में घूमने जाते हैं। हमारे कांकेर के सुदूर आंचल क्षेत्र के लिए ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस खुला है। अब जो पहले सबको रायपुर जाके जो काम करने पड़ते थे अब वो कांकेर भी हो गया। ऑफिस कई पुरानी मांगे थी लोगों की जो आज जो है कांकेर में खुल है उसके बारे में। आज कांकेर में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हो गया है, निश्चित रूप से कांकेर क्षेत्र वासियों के लिए बहुत बड़ा एक गौरव है, तोहफा है। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
और इस क्षेत्र के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे यहाँ के व्यापारीगण है, चाहे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विदेश में भी लोग जा सकेंगे, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value added, environment friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर जगदलपुर से है, जहां पर एक दिन पूर्व एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें मंडल संयोजक द्वारा चित्रकोट विधायक का नाम लेते हुए अधीक्षक से पैसों की मांग की जा रही थी। वहीं चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने अपने पक्ष मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि यह जो ऑडियो है वायरल हुआ है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस ऑडियो के जरिए मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए मंडल संयोजक को तत्काल निलंबित कर दिया गया और इसकी जांच अभी चल रही है। चित्रकोट विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा कृत्य कोई भी करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं भी नहीं था कल, मैं भी रायपुर गया था, जब आपका मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में देखा मैं कि नहीं कि मेरे को एक मेरी विधानसभा में जो बास्तानगर ब्लॉक है उसमें आस्थल अधीक्षिका और आपका मंडल सचिव, ये दोनों के बीच में जो वायरल हुआ है उसमें मेरे को घिसा गया है कि मेरे को बोले कि नहीं विधायक के द्वारा मांग किया गया पैसा कि 1,00,000 रुपया, ये गलत है। जो इन्होंने जो बात किया उसमें ना मेरा हाथ है ना कुछ है, क्योंकि मेरा 8 माह हो गया, मेरा जो विधायक बने हुए 8 से 9 माह हो रहा है। ऐसे मेरे यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जनदर्शन लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो रोज का है। उसके बाद मैं निकलता हूँ, जो समस्या रहता है उस समस्या को यहाँ निराकरण करता हूँ, नहीं होने से मैं फील्ड जाता हूँ, तोकापाल हो चलो में विधानसभा जहाँ भी हो, जो जो समस्या रहता है उस समस्या का निराकरण करता हूँ। उससे पहले भी मैं सभी अधिकारी, मेरे विधानसभा जितने अधिकारी उनको बोला था कि इस तरह का कोई लेन देन वाला मामला आता है ये गलत है। अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता है कि चाहे मेरा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे मंडल संयोजक हो, चाहे हॉस्टल अधीक्षक हो, इस तरह का कोई अगर 1,00,000 रुपया आया कोई पैसा का मांग करता है, इस तरह का मत करो, क्योंकि मेरे ऊपर लांछन आता है तो मैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। जो इनके ऊपर जो आज जो कल से वायरल हुआ है, मंडल संयोजक और जो आपका हॉस्टल अधीक्षक, इनके बीच में क्या बात, मेरे से कोई मतलब, जबकि मैं मैडम को मैं जानता भी नहीं हूँ, ना उनसे कोई कांटेक्ट है नहीं, और इस तरह का विधायक ने मांग किया ये गलत है। और जो जो भी दोषी पाया जाएगा, जो मंडल संयोजक उनको तत्काल निलंबित किया गया है, ताकि जो मेरे ऊपर लांछन लगा है, और आने वाला समय इस तरह का अगर रहेगा घटना, अगर इस तरह का पैसा का लेन देन, ये सरासर ये झूठ है जो मेरे ऊपर, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई अपने आदमी हो जो भी हो, इस तरह का लांछन लगाया है, सरासर झूठ है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो मैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके मैं FIR करवाऊंगा जी। जैसे मैं सुना तत्काल मैं ऐसे ऐसे बोल के जो मंडल सहजे के उनको लेन देन बात है हमको तो नहीं मालूम, फिर भी मैं उनको एक्शन लेके उनको तत्काल मैं उनके कारोबार से हटाने का वो हटा दिया और उनको निलंबित किया गया है जी। ये जरूर है कहीं ना कहीं मेरा छवि, इन्होंने जो भी चाहे कोई भी पार्टी हो चाहे अपने आदमी हो, कहीं ना कहीं मेरा छवि खराब करने का जो ये लोग सोचा है गलत है। आज 8 माह बस्तर जिले के बास्तानार पंचायत के तहसील कार्यालय की महिला कर्मचारी के द्वारा
ग्रामीणों से कार्य पूरा करने के एवज में रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा। इस संबंध में चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने बताया कि हमें मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है कि एक तहसील कार्यालय की महिला कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत लेने का मामला वायरल हो रहा है। इस विषय को हमारे द्वारा संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर को तत्काल इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा और गरीब का पैसा वापस करवाकर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में कोई इस तरह करते हुए पाया गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इसमें संज्ञान में लेते हुए कि गरीब जो किसान जो जाता है, ये पट्टा हो जो भी बनाने, इस तरह का जो महिला बाबू है जिन्होंने पैसा घुस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ गई, इनके ऊपर मैं संज्ञान लेते हुए भी इनके ऊपर कार्रवाई, उचित से उचित कार्रवाई करने का मैं जैसे कलेक्टर साहब हैं, SDM को मैं बोल के तत्काल इनको कारोबार से हटा के इनके ऊपर एक्शन लेके जो भी कार्रवाई इनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का, इसके उचित से उचित मैं कार्रवाई करने का मैं कोशिश करूँगा। छत्तीसगढ़ के युवक का मेरठ में अपहरण हुआ है और साथ ही उत्कल एक्सप्रेस से अपने भाई के साथ काम करने हरिद्वार जा रहा था युवक। दौराला मेरठ रेलवे स्टेशन के पास 4 से 5 लोगों ने जबरदस्ती ट्रेन से उतार लिया और युवक का नाम गुलशन केवट, पिता जगदीश केवट है और साथ ही सक्ती जिले के हसौद थाना क्षेत्र डोमाडी का रहने वाला है और उनके भाई जयश्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। हम लोग मेरठ में पहुंचे, मेरठ में मेरे साथ अज्ञात 4 से 5 लोग ट्रेन में मेरे चढ़े। वहां पर जस्ट मतलब 20 किलोमीटर के अगले स्टेशन सकौती स्टेशन पे वहां पर मेरे छोटे भाई को उतार लिया गया। तो इसके बाद मैंने GRPF में जाके केस दर्ज करवाया, फिर भी आज चार दिन हो गए हैं, वो लोग आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे, ऐसे बोल बोल कर टाइम पास कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृपया छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय से। जगदलपुर जिले में लगातार जारी अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। भानपुरी पुलिस ने ग्राम बोडनपाल मेन रोड से 9 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही आरोपियों द्वारा दिगर राज उड़ीसा से अंग्रेजी शराब लाकर तस्करी की जा रही थी। आरोपी के कब्जे से कुल 85 लीटर से भी ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 39,960 रुपए है। वहीं गिरफ्तार आरोपी कुंवर दीवान के खिलाफ पूर्व में भी मामला दर्ज बताया जा रहा है। आरोपियों को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया गया है। नशे के विरुद्ध जगदलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की विदेशी शराब जो कि अवैध रूप से आसना के पास भंडारण किया जा रहा था, उसे पकड़ा गया था, जो कि लगभग 1700 लीटर शराब विगत दिनों पकड़ी गई थी। अभी भानपुरी पुलिस अपने MCP के दौरान कुंवर दीवान और महेंद्र राठौर, जो कि मुंडा गांव बाजार पारा भानपुरी के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में बेचने की फिराक से ला रहे 9 पेटी शराब को जब्त किया है। इनके द्वारा जब्त किया गया जो शराब है उसको बाजारों कीमत लगभग 40,000 है और कुल 85 लीटर शराब पुलिस के द्वारा इनसे जब्त किया गया है। साथ ही साथ में एक वाहन स्विफ्ट डिजायर और मोबाइल भी जब्त किया गया है। इस प्रकार पूरे प्रकरण में भानपुरी पुलिस ने 34-2 आबकारी एक्ट के तहत। बस्तर जिले में दरभा ब्लॉक के कोयनार ग्राम पंचायत में उल्टी दस्त से हुई मौतों के बाद में मृतकों का यह आंकड़ा अब 5 पहुंच गया है। हालांकि ग्रामीणों की मौत की वजह क्या है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। मृतकों की संख्या बढ़ने के तुरंत बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर अन्य ग्रामीणों की जांच शुरू कर दी है और एक छात्र और एक ग्रामीण की मौत के बाद स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था और मौत के कारण पहले डायरिया बताए जा रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने मौत के कारण को स्पष्टीकरण जारी किया है और डायरिया से मौत नहीं होने की बात भी कही। लेकिन अब मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद एक बार फिर से गांव में उल्टी दस्त के फैलने की संभावना जताई जा रही। फिलहाल बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने मौत की जांच करने की बात कही है। पहले स्वास्थ्य टीम ने जाके वहां शिविर लगाए बताए थे, तो अभी जो आप बता रहे कि 2 लोग का और डेथ हुआ है उसको मैं चेक करवा लूंगा। वहां वैसे जो भी वहाँ डिमांड और नीड होगा उसी बेसिस में स्वास्थ्य विभाग काम करेगा, महामारी का स्थिति तो नहीं करेगा। एक सप्ताह पहले से यहाँ पे शुरू हुआ है कि एक बच्चा से
माने मौत का शुरू हुआ, उसके बाद कंटिन्यू आज 5 लोग का डेथ हो चुका है यहाँ पे। और जैसे पीएचई विभाग में पानी का जांच करवाया था हमने कि पानी में भी नॉर्मल पाया गया है। दूसरी बात, एक सप्ताह से कंटिन्यू यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का टीम आके यहाँ पे शिविर के माध्यम से घर घर जाके यहाँ पे जांच कर रहे हैं, लेकिन ना आज तक डॉक्टर द्वारा ये नहीं बताया गया है कि कौन सी बीमारी है, किस कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है। कुछ 15-16 लोग अभी फिलहाल हमारे ग्राम पंचायत कोयनार के मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में एडमिट हैं। आज जो महिला का डेथ हुआ वो भी डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में ही हुआ। मैं स्वास्थ्य विभाग टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ऑलरेडी उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तो उन्होंने किस किस बीमारी का जांच किया, वो रिपोर्ट हमारे ग्रामीण को एक बार आके। जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा का वार्षिक निरीक्षण संपन्न हुआ। इस दौरान आयोजित निरीक्षण परेड में पुलिस अधीक्षक को रक्षित निरीक्षक अभिजीत भदौरिया द्वारा सलामी दी गई है। तत्पश्चात पुलिस लाइन में दरबार का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी कर्मचारियों के समस्याओं को सुना गया, निराकरण संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए। और इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस लाइन में सभी शाखाओं, स्टोर शाखा और आर्मरी शाखा, पुलिस पेट्रोल पंप, पुलिस का निरीक्षण किया गया है। आज दिनांक को मेरे द्वारा रक्षित केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम परेड का इंस्पेक्शन किया गया। इसके बाद आर्मरी शाखा, स्टोर शाखा और अन्य शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ परेड में सम्मिलित जितने भी हमारे अधिकारी जवान थे सबके साथ में बैठ करके सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा जो भी अपनी समस्याएं बताई उनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया गया। और जहां जहां पर कुछ और कार्रवाई की आवश्यकता थी तो उसके संबंध में निर्देश दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।